ये देखो भाई, यहाँ पे गाड़ी होगी, ये पलटी घोड़ा, मतलब बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी एक भी लीटर तेल टैंकी में नहीं छोड़ती है, मतलब वो है चाली वाले। वालेकुम सलाम दोस्तान हो जाते। ओफ बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भाई, टोटल लास्ट हो गई है टाटा मोबाइल। आपका क्या कहना भाई? अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल FTC व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं याबरा से पार MP से, मवाती ढाबे पे जहाँ रात को रुके थे, वहीं से सेम लोकेशन। और अभी मतलब सुबह उठे थे कोई 6 बजे के करीब, सबसे पहले उठ के गाड़ी को तिरपाल वगैरह किया, देख सकते हो आप, तिरपाल वगैरह किया। तिरपाल करने के बाद अब नहा धो के फ्रेश होकर रेडी होने वाले हैं, मतलब रेडी हो चुके हैं। एक ही बंदा निकम्मा है हमारे ग्रुप में जो अभी तक नहा के रेडी नहीं हुआ है, जिसका नाम है मजाक कर रहा हूँ। तो चलें, बहुत सारे लोग पूछेंगे काली कहाँ है, काली पहलवान भी दिखा देंगे। ये रहा काली पहलवान, अभी तक नहा के फ्रेश नहीं हुआ और सुपर है। साथ में भाई हमने कपड़े वगैरह धो लिए। और ये लोकेशन है, यहाँ से मंदसौर है 60 किलोमीटर, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है देखो, बस इतना ही जूमिंग है। तो जहाँ से मंदसौर है 60 किलोमीटर, और अपनी गाड़ी इस ढाबे पे रुकी थी, ये मेवात का ढाबा है, और ये रही अपनी गाड़ी। पूरा तिरपाल वगैरह करके ओके कर दिया, क्योंकि रात को हम तिरपाल वगैरह नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए हमने स्टार्ट हो गई तो तिरपाल नहीं किया था। तो भाई तिरपाल वगैरह, अब मौसम भी मतलब बारिश वाला हो चुका है, इसलिए हमने पूरी गाड़ी ओके कर ली है। बस अब यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद निकल पड़ेंगे। तो चले करते हैं अपना आगे का सिस्टम स्टार्ट और निकलते हैं, चलते हैं धीरे धीरे अपना सफ़र। सुबह सुबह ही होता है मतलब सफ़र निकालने का टाइम, जो सफ़र निकालने का टाइम था वो तो हमने बर्बाद कर लिया, पर क्या करना भाई, जो चीज़ ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है। हमारा यही ब्लॉग बनाने का एक यही मकसद है कि हमारी ट्रकिंग लाइफ कैसी है वो आप लोगों के तक शेयर कर सकें, ताकि आप लोग भी हमें समझ सकेंगे कि हम किस किस परेशानी से और किस किस आसानी से गुजरते हैं। तो जैसे कि काली अभी अपने पैरों की मैल घोलता हुआ, अच्छे से पैरों की मैल घोलता हुआ, भाई तेरे को किसने पसंद करने थोड़ी आना है, हेलो पसंद कर, नहीं तू रहन दे, चल जल्दी कर। तो चले भाई हम जाते हैं, जाके होटल पे देखते हैं कि सुबह हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो पानी पियेंगे यार, प्यास लगी है। चले भाई साहब जल्दी नहा के आ जाओ, सुबह नहाने का मजा है ना। हाँ। मैं कच्छे से ऊपर लूंगा तेरे को, मैं तेरे को कच्छे से ऊपर लूंगा। बोलो आप क्या बोल रहे हो? वो ऐसा मजा कहीं जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। क्या मतलब? सुबह सुबह नहाने का मतलब। तो भाई नहा ले, क्योंकि तेरे को ही रगड़ने वाला हूँ मैं। क्या बात है, नहा ले। तो चले भाई पीते हैं चाय वगैरह, चाय देखते हैं कुछ और ही। तो गाड़ी अपनी स्टार्ट है, मैंने हैंड ब्रेक निकाल दी है ताकि गाड़ी बंद ना हो जाए, अगर हैंड ब्रेक लगा तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो चलो भाई निकलते हैं, पीते हैं पानी वगैरह। चले भाई निकलने लगे हैं हम, अब यहाँ से चाय वगैरह हो गई, अपना सारा ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना था सब कुछ हो गया, तो अभी निकलने लगे हैं यहाँ से। तो चले निकलते हैं और करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। भाई निकल पड़े हैं यहाँ से, और अपने काली भाई को हमने दिया आज की कमान संभालने के लिए, और अच्छे तरह से गाड़ी चलाना भाई साहब, ठीक है, एकदम फिट होके।
तो हम करेंगे रेस्ट कूलर लगा के। अभी तो फिलहाल हवा चल रही है अच्छी है, अभी कोई जरूरत नहीं है। वो बारिश भी कर रही है, वाओ यार। तिरपाल हमने मौके पे ही डाल लिया था भाई, क्योंकि बारिश का कोई पता ही नहीं था कि शायद आ ही जाए, तो कनिया तो गिर रही हैं आगे का मालूम नहीं है। तो बस अब मस्त मस्त चाल चलेंगे, सफ़र अपना करते रहेंगे कंटिन्यू। हम थोड़ा सा पीछे हो लेते हैं भाई साहब, हाँ अब मजा आए। तो हमारे उस्ताद जी गाड़ी चला रहे हैं, सुबह सुबह नहाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई साहब नहाने से? ऐसे लग रहा है 10 साल और जिंदगी बढ़ गई हो, ऐसा लग रहा है। तो चले भाई, इसी के साथ अपना सफर कंटिन्यू कर लिया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। अभी तक की जो लोकेशन है वो आप एंजॉय करो, एमपी का सफर। तो चले मिलते हैं आपसे। भाई साहब आ रहे हैं 97-40 वाले। रतलाम पहुंचे हैं भाई साहब। तो सुबह सुबह ना सावदा से जो केले वाली गाड़ियां आ रही हैं, देख के आज इतना फील हुआ है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की केले वाली गाड़ी आ रही है, कि इस टाइम हम भी मतलब जब निकलते थे, वो देखो आगे से आ रही है ना केले वाली गाड़ी आ रही है। इस टाइम हम अपने राजस्थान एमपी राजस्थान बॉर्डर पे हुआ करते थे, मतलब टाइम नहीं तोड़ते थे हम, और इतनी एडवांस हुआ करते थे कि इस टाइम हम राजस्थान में घुस जाते थे। और अभी सुबह सुबह टाइम हुआ है, बताते हैं आपको टाइम भी, ये तो 8:30 हो रहे हैं। 8:30 बजे तो हम भाई, कई बार तो हम 6 बजे ही बॉर्डर पार कर लेते थे और अपना एडवांस काम हुआ करता था। आज हमारे पास 14 डेयरी है, हमें भाई कोई केला ही नहीं देता है यार। तो इसलिए आज गाड़ियां देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी लेट आ रही हैं गाड़ियां। ये तो अपने हिसाब से मतलब ये सबका अपना अपना हिसाब है, पर अपना काम एडवांस होता था। तो चले भाई, टाइम टाइम की बात है। आज हम भाई 14 डेयरी वाले हो गए हैं, तो हमें कोई केला नहीं मिलता है, इसलिए हम अब जा रहे हैं लंबे रोड पे। तो चले मिलते हैं आपसे। नागदा पहुंचने वाले हैं भाई। तो आगे कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत जबरदस्त गाड़ी पलट गई है, देखते हैं क्या होता है। गाड़ी मतलब जाम तो लग चुका है, फिर भी देखते हैं कब तक निकलता है यहाँ से। और ये है भाई विंड मिल, पखा, ये बड़े बड़े पखे लगा दिए गए हैं इधर भाई, कातु लाते गए हैं। गर्मी बहुत है, गर्मी नू हवा चलन वास्ते लाते गए ना। एक पार इधर ये एक अगे जा रहा है, एक पता नहीं कितने, घोड़ा पलट गया जी, घोड़ा। घोड़ा पलट किस तरह लग गया, ओए बड़ा जबरदस्त पलट गया, मेरी साइड कर लगा नहीं, पत्थर लोड सी इधर। ये देखो भाई, यहाँ पे गाड़ी हो गई है पलटी, घोड़ा, मतलब बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, घोड़ा पलट गया है भाई। जाने 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 पेन टूट गई, घोड़ा गिरा, घोड़े की ना वो पेन टूट गई है जहाँ घोड़ा लॉक होता है वो वाली। मतलब घोड़े की जो ड्राइवरी है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है भाई साहब, इसलिए मैं इस भाई साहब को बोलता हूँ कि समझ से आस्था धीरे चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझ से बाहर, स्पीड से थोड़ा तेज, और ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। टोल आ रहा है, टोल पे रुकेंगे, रुक के गाड़ी का डीजल पलटे ही करेंगे क्योंकि मीटर बहुत ज्यादा डाउन आ गया। गाड़ी बोलती है भाई मुझे भी भूख लगी है, खाना खिला दो, मेरे को प्यास लगी है।
तो उसमें आप डीजल भी पल्टी करेंगे एक टैंक से दूसरी टैंकी, और क्या करेंगे यूरिया भी डालेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे ना उसको। कोल्ड ड्रिंक पिएगा वो चाय तो अभी सुबह की सुबह ले लिया उन्हें। हाँ चाय से पिएगा ये बेचारा। हाँ सब कुछ लेगा ना। हाँ ये वही बात है, खाना मिलेगा, आज चलेगा फिर दो तीन दिन के बाद, दो तीन दिन के बाद नहीं कल शाम को दोबारा ले लेगा ये कल शाम। चले भाई आगे टोल पे लगाते हैं साइड पे। हमने सोचा था कोई ढाबा मिल जाए हमें, ओके उस ढाबे में खड़े करके साथ में डीजल पल्टी हो जाएगा, साथ में गाड़ी का डीएफ भी डल जाएगा और साथ में हमारे पेट में भी कुछ चला जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि गाड़ी में डीजल रह गया टोटल 10 लीटर। हाँ इस गाड़ी का भाई एक हिसाब लगाया मैंने, वो हिसाब ये है कि इस गाड़ी का सिस्टम ये है कि ये गाड़ी एक भी लीटर तेल टैंकी में नहीं छोड़ती है, मतलब पूरा ड्राई कर देती है टैंकी को, तो इसलिए 10 लीटर पे भी गाड़ी हवा नहीं लेती है। यहाँ पे रुके हैं भाई टोल पे और करने लगे हैं डीजल पल्टी। हाँ जी तेल लगा दिया हमने पल्टी करने के लिए, आप ऊपर से एक टैंकी भरवा दो भाई उस साइड से पाइप लगी है। ऐसे जम जाता है ये, देखो बाहर गिरा ना बाइट बाइट, ऐसे ही जम जाता है पाइपों में। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं होटल नीलकमल, यहाँ पे तेल भी पल्टी हो गया हमारा, बाँस लगाई होगी जूरिया भी हो गया, ग्रीस वगैरह फिल्टर वगैरह सब कुछ हो चुका है ओके। तो अभी जाएंगे हम ढाबे पे खाएंगे खाना, खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। वो रहा सामने भाई अपना ढाबा होटल नीलकमल, यहाँ पे हम खाना खाएंगे ना ना ओ आगे आ जाएगा, तो उधर लगाएंगे आगे गाड़ी, क्योंकि ढाबे पे किसी के ढाबे पे नहीं गाड़ी खड़ी करना, से खाना उधर खाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने बोला इसको कि गाड़ी निकाल आगे लगा, क्योंकि कोई कल को बोल मतलब बोलने का मौका ही नहीं देना चाहिए किसी को भी। तो अभी ये लेके जा रहा गाड़ी आगे और हम जाके रुक रहे हैं ढाबे पे, खाना वगैरह बोलते हैं। जम्मू से माल कम था अब माल हुआ है गाड़ी में। चले लगाते हैं वहां पे गाड़ी फिर आता है ये ढाबा, यहाँ पे खाएंगे खाना। तो भाई खाना पीना खा के आ गए हम होटल नीलकमल पे, तो अभी निकलेंगे एक बार हमारी गाड़ी का नाला भी चेक कर लो भाई। तो चले अल्ताफ चौधरी 0063, इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक फॉलो कर सकते हो भाई। तो चले निकलते हैं करेंगे अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू। तो भाई निकल पड़े हैं हम खाना पीना खाकर यहाँ से अपना सफ़र एक बार जर्नी अपनी दोबारा की है कंटिन्यू। अभी तक तो हमारे उस्ताद जी डटे हुए हैं पूरे, धोखा पता नहीं कब देंगे ये मालूम नहीं है। तो चले ये मेरे को रगड़ता है आज, मैं इसको रगड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। काली वाली जगह कोटा रख दे, काली काली ओए काली वाली जगह कोटा रख दे। तो चलेगी तो भाई लिपट बाईपास पहुंच गए हैं और मौसम चेक करो यार, व्यू चेक करो क्या ही मस्त व्यू आ रहा है भाई। तो यहाँ पे हमें अपना बंदा एक मिलने वाला, अगर मिल गया तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे भाई लिपट बाईपास पे, ये वाला रोड जाता है मतलब इंदौर को, गुजरात से आता है इंदौर को जाता है उस साइड से आ रहा है रोड, वो वाली साइड भी दिखाएंगे हम आपको। ये वाली साइड आ रही है भाई गुजरात गोधरा साइड से और वहाँ पे लगाई है हमने अपनी गाड़ी और अपने बंदे हमें मिलने आ रहे हैं भाई, गुवाहाटी लाइन चलते हैं बंदे और मिलने आ रहे हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं उसका यहाँ पे। ये वाला रोड जो है ना सीधा जाता है मतलब गुजरात को, ये इंदौर से निकल के सीधा गुजरात गोधरा साइड को जो रास्ता जाता है वो यही वाला है।
तो यहीं आगे किसी ढाबे पे उन्होंने गाड़ी लगाई है, तो चलो इनसे मिल के फिर जाते हैं। तो चले, ये आ गए भाई अपने बंदे जिनसे मिलना था हमने। एक गुवाहाटी लैन के बंदे हैं भाई। बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया भाई, टोटल लास्ट हो गई है टाटा मोबाइल। आपका क्या कहना भाई, ऐसा चलना चाहिए नहीं ना चलना चाहिए? पर इतनी तेज चलता क्यों बार बार, मैं आपको मना करता हूँ। हाँ इतनी रखनी चाहिए, बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट होगा भाई। तो भाई गुजरी घाट पहुँच चुके हैं और बहुत ही डाउन घाट है ये, जान तो खोल गया तो कोई चक्कर नहीं। हाँ जान में जान थोड़ी खोल गए, आगे से गाड़ी आ रही है आम लोड करके, NJR शबीर और हमारे कालिस्तान चला रहे हैं गाड़ी। 30 टन माल है गाड़ी में भाई, गाड़ी को मतलब 3 नंबर 12 गियर में उतारना चाहिए, जैसे मैं अपने ब्लॉगों में पहले भी बताया करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कोई भी काली नहीं करनी चाहिए, काली नहीं करनी, ठीक है? काली नहीं करनी, जे काली आए तो काली वाली जगह से पोटा रख लेना, ये रख लेना पोटा रख लेना, गुठा रख लेना। बाकी एक कार्ड ये बिल्कुल मतलब पूरा डोन सीधा लास्ट तक डोन है, और उस तो अगला जरा वो तो बड़ा ही ज्यादा डेंजरस है। उस जो अगला घाट है ना, उस घाट पे कोई ना कोई मतलब ऐसा कांड होता ही रहता है, वो मतलब पहले ही थोड़ा बहुत क्या फुल कॉन्फिडेंस लगा के गाड़ी को उतारना चाहिए, मतलब एकदम मस्त चाल में प्यार से, कोई गाड़ी के साथ धक्का नहीं करना चाहिए। कुछ ड्राइवर होते हैं कि वो मतलब एकदम सुपर फास्ट उतर जाती है। हाँ भाई सुपर फास्ट बंदा उतर सकता है, ऐसी बात नहीं, हम नहीं उतर सकते, हम भी उतर सकते हैं। सुपर फास्ट उतर सकता है बंदा, पर चक्कर एक ही है ना, सुपर फास्ट उतरने में नुकसान एक ही है भाई, आपकी गाड़ी में ब्रेक भी है अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपके टायरों को बहुत ज़्यादा मारोगी आपकी, जब आप जकदम गाड़ी रोकने की मतलब एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाओगे ना, आपके टायर अगर नए हैं तब तो ठीक है, अगर आपके टायर पुराने हैं ऊपर से लेदर आपके गर्म हो चुके होते हैं, गर्म होने से क्या होता है लेदर ब्रेक छोड़ देते हैं, गाड़ी ब्रेक बिल्कुल नहीं पकड़ती, वो जो लेदर होते हैं ना वो ब्रेक बिल्कुल नहीं पकड़ती। देखो यार कैसा लुक दिख रहा है रोड की, कितनी मस्त छोड़ दे खुली, और ये देखिए भाई मौसम देखिए, चेक करिए क्या मस्त चाल है। तो कहाँ था मैं, बिल्कुल भी मतलब 3 नंबर लगा के उतरो यार, 3 नंबर गियर किस लिए रखा है, एग्जॉस्ट ब्रेक किस लिए रखी है, इसीलिए रखी है ना काली भाई, काली वाली जगह पोटा रखिए, ठीक है? चलो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट गार्ड पे। देखिए ये काला रंग की ब्रेक देख रहे हो, ये भी बड़ी जबरदस्त ब्रेक लगी हुई है गाड़ी को, तो इससे बेहतर है कि आप स्लो रनिंग में उतरे, कोई टेंशन की बात नहीं। पहुंचे भाई गुजरी घाट सेकंड घाट में, गुजरी घाट के सेकंड घाट में पहुंच चुके हैं भाई। दिन के 2 बज चुके हैं और हम लोग पहुंचे हैं जम्मू वाले ढाबे काकू का ढाबा खलगाड़ पे, यहाँ पे पहुंचे हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं यहाँ पे, मुझे कारण यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गाड़ी को रेस्ट मिल जाए, साथ में जो चला रहे हैं उनको भी रेस्ट मिल जाए। पर इसने क्या किया, अभी थोड़ी धूप नहीं है गाड़ी, चलो फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा, तो करते हैं रेस्ट फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो भाई शाम के 4 बज चुके हैं और अभी करने लगे हैं अपना सफ़र कंटिन्यू करने लगे हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा मतलब गर्मी कम हुई है, थोड़ी सी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं, जितना रोड पूरे गर्म हुए थे उसके हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। तो चलें करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू, यहाँ से निकलते हैं और
करते हैं, मतलब अपनी जैसे जैसे आगे आगे चलते जाएंगे अपनी जर्नी कम होती जाएगी। तो चले मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। और अभी हम लोगों ने जो डिसाइड किया है कि वो हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिंधवा बॉर्डर होके जाएंगे सीधा दुलिया, दुलिया होकर जाएंगे, दुलिया से औरंगाबाद चले जाएंगे। तो चलो सुबह से इसी को ही रगड़ रहा हूँ मैं, और किसी को नहीं। मतलब आज की जो ड्राइविंग है पूरी इसी के नाम की है। और सफर कितना किया ये भी तो पूछो जरा इससे। जावरा पार करके ढाबे पे रात को सो गए थे, वहां से चल के अभी तक यहाँ पहुंचे काकू के ढाबे पे। यहाँ से ज्यादा ये कहाँ तक जाएगा? बॉर्डर तक जाएगा या दुनिया पार करेगा या फिर औरंगाबाद तक जाएगा? अच्छा आगे गर्मी, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए गर्मी को ध्यान में रखकर सफर हम कम कर रहे हैं, है ना? ये बात है। राइट राइट लेफ्ट सही पकड़ा भैया, सही पकड़ा भैया। तो चले मिलते हैं आपको नेक्स्ट वेकेशन पे। तो भाई खलगाट पार कर लिया है, वहां पे पहुंचे हैं जहां से हम लोग, जहाँ से हम लोग अक्सर मतलब सापदा की तरफ टर्न होते थे, पर आज हमने वो वाला रास्ता नहीं पकड़ना है, आज हम सीधा ही निकल जाएंगे। तो सभी गाड़ियाँ गर्मी की वजह से सभी पेड़ों के नीचे खड़ी हैं, अभी आस्ता आस्ता धीरे धीरे सभी उठ रहे हैं और निकल रहे हैं। और हमारे उस्ताद जी गुस्से में हैं थोड़ा सा, चलो होने तो गुस्सा इसको जितना होता है फिलहाल, तो देख ले भाई। देखो भाई कितना तूफान आ गया है चक्रम से। वह पहुंच चुके हैं हम लोग एमपी वाटर सिंधवा वाली साइड पे, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारी गाड़ी आ रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगता है। महाराष्ट्र में तो गाड़ी टाइम लगेगा, उधर बॉर्डर पे फर्स्ट टाइम गाड़ी आने पे ना करते हैं क्या कि गाड़ी को पूरा रजिस्टर करते हैं बॉर्डर पे, पूरा ऑनलाइन करते हैं, तो उसको टाइम लगेगा। तो फिलहाल इस बॉर्डर में देखते हैं कितना टाइम लगता है कितना नहीं। भाई वो गाड़ी अपनी महाराष्ट्र बॉर्डर पास, और अब सॉरी एमपी बॉर्डर पास। तो अब इसके बाद आएगा अपना महाराष्ट्र बॉर्डर, मतलब थोड़ा सा थोड़ा क्या मतलब क्या चलना पड़ता है, काफ़ी चलने के बाद फिर जाके महाराष्ट्र बॉर्डर आता है। तो चले जैसे काली गया एंट्री करवाने, एंट्री करवाने के बाद आता है तो फिर उसके बाद करते हैं। 1500 एंट्री लगती है कांटा का, पत्ती का अलग पैसा सारा डाल डूल के। तो ये वही सिस्टम है जो निमच में है, वही यहाँ पे है, यही पर्ची यहाँ पे चेक करवाएंगे कि ये रख लेंगे। पर इधर थोड़ा सा ये है कि एंट्री ज़्यादा 1500 रुपये। कांटे का कितना लिया भाई? 150 रुपये देगा रे बाबा, 150 रुपया देगा रे। देख लो भाई वही सिस्टम सेम। अब हमें जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें धोखा हो गया, हमारे पास जो मेडिसिन थी वो हम सोच रहे थे कि 20 टन के ऊपर है, पर ये तो उस हिसाब से देखा जाए 9.5 टन लहसुन डालने के बाद, 10 टन लहसुन डालने के बाद फिर भी गाड़ी का वजन 42 भी नहीं आ रहा है, 41-200 ही आ रहा है। तो चले भाई होता रहता है छोटे मोटे केस, तो चले मिलते हैं आपको। आप एमपी को थैंक यू कर दे भाई, बोर्ड पे थैंक यू कर दे सबको।
एमपी वाले हमको थैंक यू कर रहे हैं, पर हम एमपी को थैंक यू कर रहे हैं भाई। बाय बाय एमपी, मिलेंगे फिर दोबारा वापसी में। तो चले भाई साहब, चले चलो सर, चलो सर। ये देख लो भाई, फॉरन वाला सिस्टम है कार ले जाने का। मतलब फॉरन में भी ऐसे ही होता है, पर वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो पीटर वर्ल्ड वगैरह हैं, बहुत बढ़िया शानदार गाड़ियाँ हैं। तो हमारे इधर ये टाटा के घोड़े, क्या टाटा के घोड़े, टाटा के घोड़े, उल्टा मत समझो, टाटा के घोड़े हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग शेरपुर वाले घाट पे, सिंधवा घाट पे। और ये भी यार बहुत ज्यादा डोन है, 3 नंबर लगाया हुआ है और साथ में इंजन ब्रेक का यूज कर रहे हैं। दूसरे ब्रेक का थोड़ा कम यूज कर लें ताकि लेदर जो है वो गर्म ना हो। अगर ज्यादा ब्रेकें मारते रहेंगे तो लेदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं भाई साहब, इसलिए ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं इंजन ब्रेक, जिसको भाई इंग्लिश में एग्जॉस्ट ब्रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं खाली भाई, हमको ना बताया हमको ना पूछा करो भाई, हम है अनपढ़ लोग, अनपढ़ ड्राइवर मराठी क्या क्या यार, बहुत सारी है। तो 16 टायर की गाड़ी देख लो भाई, कितने टायर है गाड़ी के नीचे, 14 टायर की तरह। जब एक बार ये सारे घिसेंगे तो मालिक को चक्कर जरूर आएगा ना, 16 टायर डालने में। जब तो चक्कर तो आता है भैया, आता है चक्कर, आता है चक्कर भाई, आता है चक्कर यार, गाड़ी का कोई झगड़ा हो गया भाई, चक्का नहीं लगा रहा मैंने। यो घोड़ा ये देखो यार, ये मस्त फॉरेन का घोड़ा है, ये देखो डिलीवरी, कौन सा डिलीवरी बहुत लंबा गार्ड है, पर गार्ड सीधा डाउन नहीं है, इसकी एक खासियत है कि सीधा डाउन नहीं है, एकदम मस्त गार्ड है। इंजन ब्रेक भी भाई अपनी मर्जी से चल रही है, चल रही है बेबी, क्या प्रसाद में चल रही है, क्या जरूरत है ना, मारे नहीं मनती है, मारे नहीं मनती यार, डांस लगे मजे ही करेंगे। ये भाई साहब इसी में मजा कर रहे हैं रास्ते में बहुत मिलते हैं, अंधेरा हो गया और पहुंचने वाले अभी हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे, दिख रहा होगा यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर। अब वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम गाड़ी आए जो भी आती है ना उसको टाइम लगता है, चलो देखते हैं क्या सीन होता है हमारा, कि टाइम लगता है कि नहीं लगता है, वो तो वहीं पर जाके मालूम पड़ेगा। और साथ में पिछले बॉर्डर से इस बॉर्डर पे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा जाम रहता है, और ये इन्होंने चक्कर कुछ नहीं, जाम का कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर ये सारे के सारे बेड ब्रिज जितने भी है सारे के सारे अगर ओपन कर दें, सब चालू कर दें, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, मतलब फिर तो जाम लगने का कोई मसला नहीं। इन्होंने क्या किया है कि बस 2-3 कांटे खोले हुए हैं और कुछ नहीं, अगर सभी कांटे खोल देना तो कभी भी जाम ना लगे। बस अभी थोड़ी देर के बाद वो सामने जो देखो उनके बोट भी चमक रहे हैं लाइट में, वो ही है बॉर्डर, वो देखो जी ये है महाराष्ट्र बॉर्डर, जाने का भी आने का भी, जाने का लेफ्ट साइड है, आने का उधर से भी सिर्फ लेफ्ट साइड है। तो चले मिलते हैं आपको सीधा बॉर्डर पे जाके। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि बस 2 या 3 कांटे खुले होंगे, जाम तो लगेगा, बहुत लंबी लाइन चल लग चुकी है। अगर महाराष्ट्र बॉर्डर से कोई भी आरटीओ अधिकारी या कोई भी मतलब कोई भी यहाँ का कोई भी बंदा अगर मेरा ये ब्लॉग देख रहा हो, उनसे यही रिक्वेस्ट है भाई, कम से कम ये इतने कांटे लगाए हैं सारे के सारे अगर खोल दो तो गाड़ी वालों का जो इतना डीजल, इतना टाइम वेस्ट
हो रहा है जहाँ इतनी ये गाड़ी धक्का मुक्की होती है, टूटती है, वो तो बचेगी ना, ठीक है ना। कोई इधर से घुस आ रहा है चलती के कारण, कोई इधर से घुस, क्योंकि सबको मजबूरी है निकलने के लिए। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप लोगों ने ये इतने कांटे लगाए हुए हैं, कितने हैं, कम से कम भी 11-12 कांटे, 12 कांटों में से कम 10 कांटे भी खोल दो ना, 10 नहीं तो 7-8 ही खोल दो, तब भी इतना जाम नहीं लगेगा महाराष्ट्र वाला। पैसे तो भाई साहब आपको सब उतने ही मिलेंगे जितने आपको 2 घंटे में मिल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है इतना लंबा जाम लगाने का। ऐसे ही हम लोग परेशान, आप लोग परेशान, कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लोगों को हमारे टाइम की कदर है तो ऐसा कर दो, इतना लंबा जाम लगा दिया है के लिए, गाड़ी वाले बेवकूफ़ हैं यार। गाड़ियाँ टूटेंगी नहीं यहाँ तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। भाई पूरे 2 घंटे के बाद अपना नंबर आया, सिर्फ ये 3 घंटे खुले, पहले 2 ही खुले थे, अब एक और खोला इन्होंने, पर जाम फिर भी उतना ही है। भाई ये सारे कांटे खोल दो भाई एक बार फिर से, हम महाराष्ट्र सरकार के जो भी कोई RTO अधिकारी के संबंध ये अगर व्लॉग देख रहा हो तो भाई कम से कम महाराष्ट्र के ये सभी कांटे चालू करवा दो यार, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पे गाड़ियों का, दिमाग ख़राब हो रहा है गर्मी में इतना, खुद तो AC लगा के बैठे हैं, हालत तो हमारी ख़राब हो रही है। क्यों काली, इधर तो काली काली वाली जगह भी पोटा नहीं रख सकते। हाँ जी जाओ जी, कोई बात नहीं, जाओ आ रहे भाई अपने सब्सक्राइबर भाई, भाई पहुंच चुके हैं हम लोग बॉर्डर पार करके शीरपुर में। महाराष्ट्र बॉर्डर में बहुत ज़्यादा तंगी हुई है भैया, हमें वो किस वजह से कांटे सभी बंद करके रखे हैं, सिर्फ 2 ही चले चलाए हैं उन्होंने। तो इधर पहुंचे हैं हम अपने पाटिल भाई से, देखो छोटू भी आया मिलने और कृष्णा, ये पहले भी मिले हम लोग, मिले हैं ना आए। तो छोटू लाया भाई हमारे लिए गिफ्ट, वो भी क्या है ट्रक लेके आया भाई हमारे लिए गिफ्ट, ट्रक देख लो भाई, ये पुराने ट्रक की याद दिलवा दी इसने, कौन से पता है S मॉडल D मॉडल है, तो ये लाए छोटू, ये रहेगा भाई हमारे पास हर टाइम, ठीक है ना। तो ये किसने बोला आपको ये पैसे खर्चने के लिए, आपने अपने से इकट्ठे किए थे, देख लो भाई इतना प्यार है, छोटे छोटे सब्सक्राइबर है मेरे दोनों, पिछले साल मिले थे हमें ना पाटिल भाई, पिछले साल मिले थे हम यहीं पे ही, तो बहुत अच्छा लगा यार आपको, ये बहुत बढ़िया लगा यार। तो चले नासिक एक नंबर यार, पता क्या है पहले हम देखो, मैं 2015 से पहले तो आया नहीं, 2015 से मैं इधर आ रहा हूँ, तो अपन तो ऐसे फेसबुक में तो बहुत काफ़ी देर से थे, पर जब आपको इधर मिला मुझे ना इतना मतलब ऐसा लगता है कि इधर से आप हम गुजरते हैं या इधर आते हैं तो बॉर्डर पार करते हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता है कि भाई यार अपना अपने इधर अपना है बंदा इधर, कोई टेंशन की बात नहीं। अब हमारा YouTube का यही एक मकसद है कि बस सिर्फ जान में जान बढ़ाओ और कुछ नहीं है, YouTube से क्या लेके जाना है हमें, यूट्यूब हमें कर तो मतलब छोटे से कहाँ मिलना था हमने मिलना था कभी, सही बात है, यही बस ऐसे देखता था ना, वो देखकर तो अच्छा, तो बस यही प्यार है यार, कुछ नहीं है, बस यही लेके जाना है जिंदगी में। अब हम कितने देर और आएंगे, इसका तो कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। मैं तो उनको मतलब अभी मैं घर से निकल के जाता हूँ, बोल के जाता यार आऊँगा इसकी करेंगे, ये बात है, तो बाकी यही बस यही कुछ साथ लेके जाएंगे और कुछ नहीं लेके जाएंगे। बाकी YouTube तो बहुत सारी वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, जो तो सब नहीं वो तो आप समझ जाते हैं, आप समझ जाइए, चलो ठीक है फिर, ओके आपसे देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है छोटू।
तो भाई निकल चुके हैं यहाँ से और अपने पाटिल भाई से मिलने, और उनके बेटे आए थे, उनका भांजा था, और हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। ये देखो जी, ये प्यार है भाई और कुछ नहीं है। दुलिया पहुँच गए भाई, रात के 11 बज चुके हैं और 11:30 हो चुके हैं। अब यहाँ दुलिया से हम लेने वाले हैं भाई कंगन 40 गाँव की, और बस अगला चौक से लेंगे, और चौक से घूमते ही कहीं खाना पीना खाएंगे, फिर उसके बाद अपना आगे का सफ़र कांटी रोड के, क्योंकि जितना होगा उतना महाराष्ट्र पार करेंगे, ये तो भाई महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि जितना होगा इतना हम महाराष्ट्र पार करेंगे। तो चले यहाँ से आप दुलिया से लेफ्ट साइड लेंगे 40 गाँव की ओर। ओके गूगल बाबा, यहाँ से भाई हमने ये नासिक वाला रोड छोड़ दिया है और यहाँ पे नेशनल हाईवे 52 पकड़ लिया है। 49 किलोमीटर है भाई अपना, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, 40 गाँव। तो औरंगाबाद कितना टोटल, 147 किलोमीटर। पर ये 49 किलोमीटर वाला रोड है ना, ये रुलाएगा भाई, अरे भाई ये रुलाएगा पक्का, हमें पता है ना। और देखते हैं यहाँ पे कौन सा ढाबा हमें खाना खाने के लिए मिलता है, फिर खाना खाते हैं। पहुँच गए भाई 40 गाँव के कन्नड़ घाट में, बहुत गाड़ियाँ चलती है भाई यहाँ पे रात को, बहुत ही ज़्यादा गाड़ी पे गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ी पे गाड़ियाँ आ रही है।